आप सबका स्वागत है 21 मई के ईश्वरी वरदान में। एक शब्द हम इस भारत देश में इस्तेमाल करते हैं, बाबा, पिताजी, पापा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाते हैं फिर डैड और पॉप और डैडी और इंग्लिश शब्दों में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक शब्द बहुत कॉमन है, बाबा। चाहे वेस्ट बंगाल में जाएं, चाहे आप नेपाल में जाएं, चाहे भारतवर्ष में किसी भी देश में किसी भी प्रांत में चले जाएं, इस भारतवर्ष के कोने कोने में चले जाएं, लेकिन जहां जहां हमारे भारतवासी हैं जिस प्रांत में, वहां पर वो बाबा शब्द, पिताजी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये बाबा शब्द जो कि आज बहुत यूज हो रहा है भारतवर्ष में और दुनिया में, बहुत सारे बाबाज बन चुके हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन रियल बाबा क्या है? बाबा मतलब पिता, किसका पिता? जो दुनिया में आज मनुष्य घूम रहे हैं और अपने आप को बाबा कहला रहे हैं, क्या वो बाबा हो सकते हैं? बाबा का मतलब ही हो गया सारे विश्व की आत्माओं का पिता। कोई मनुष्य जो कि शरीरधारी हो, जो कि माँ की कोख से पैदा हुआ हो, वो अपने आप को बाबा, सारे विश्व का बाबा कहला नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। इसलिए ये जो शब्द बाबा है, ये परमपिता परमात्मा अल्लाह यहोवा वाहेगुरु के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। जो भी मनुष्य अपने ऊपर ये शब्द बाबा शब्द रखता है, वो इस संसार में औरों को भटकाने आया है। सिंपल सी बात है, सोचिएगा अपने आप से। तो परमात्मा कहते हैं, बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भवा। कि जब इससे हम परमात्मा के रूप को, जो कि कोई शारीरिक रूप नहीं है, क्योंकि आजकल के बाबाओं का सबका शारीरिक रूप है, इसलिए वो हो ही नहीं सकते बाबा। परमात्मा मतलब उनका आत्मिक स्वरूप, ज्योति स्वरूप, मेटाफिजिकल एनर्जी स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम, प्रकाश, ज्योति का स्वरूप, चिन्ह। परमात्मा पिता जो है वो एक आत्मा है, और वो आत्मा ही, परमात्मा ही हम आत्माओं के बाबा हैं, शरीर के बाबा नहीं है। शरीर के अपने हर एक किसी के अपने अपने पिता हैं, फिजिकल फादर्स हैं, अलग बात है वो। तो परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं, मतलब कि परमात्मा के साथ में जिसका स्नेह है, उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बड़ी सौगात देते हैं। जिनको परमात्मा से सच्चा प्यार है, वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो ये चाबी, क्या करूं, कैसे करूं, इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे करें इसको ठीक, बाबा करवाएगा, बाबा से होगा, बाबा गाइड करेगा, बाबा को ही दिशा पता है, बाबा को ही गाइडेंस पता है, बाबा ने करवाया था। तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सारे सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाएगा, जैसे आप बाबा को याद करेंगे। फिर आपको घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन और ये चीजें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। आप बाबा को याद करें, सर कोई प्रॉब्लम आई, बाबा, बाबा इसमें क्या करें, बाबा अगर आप होते तो क्या करते, बाबा मैं कौन से गुण, कौन सी शक्तियों को इस्तेमाल करूं इस समय, पूछ सकते नहीं पूछ सकते। हम साथी से पूछते ना, फोन करते हैं, यार साथी तेरे को ये जो प्रॉब्लम आई थी तूने क्या किया था, तो यहाँ पे साथी कौन हो गया, बाबा, बाबा ये प्रॉब्लम आई है मेरे को, क्या करूं इसमें, कर सकते नहीं कर सकते। जबकि हम करते क्या है, हम उतावले हो जाते हैं, हम क्रोध में आते हैं, हम आवेश में आ जाते हैं और हम औरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं, औरों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करना शुरू करते हैं, और फिर हम सारी सिचुएशन को जो ठीक करना था उसको हम गलत कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं, इस चाबी की चेन है, इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से समर स्मृति स्वरूप रहना, परमात्मा की याद में रहना सारे संबंधों से। परमात्मा मेरे पिता भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे संबंधी भी हैं, मेरे, मैं उनका आशिक भी हूँ, वो मेरे पति भी हैं, परमेश्वर भी हैं। हर संबंध से परमात्मा को अपना बनाना, तब जाकर के हमें औरों की तरफ मदद के लिए भागना नहीं पड़ेगा, और मतलब और जो साथी संबंधी हैं हमारे। फिर परमात्मा कहते हैं, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। प्रतिज्ञा के कंगन, जैसे हम देखते हैं सिखिज्म में हम कंगन पहनते हैं, इसको कड़ा कहते हैं, वो कंगन इसलिए है, इस चीज का प्रतीक है कि मेरे से कोई गलत कार्य ना हो, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस हाथ से ना करूं, कर्म ना हो मेरे से। लेकिन कर्म तो हमारी सोच से शुरू होते हैं देखा जाए तो परमात्मा भी कहते हैं उस कंगन को याद करो, वो फिजिकल कंगन नहीं, यहाँ पर वो कंगन होना चाहिए कि मुझे रोक दिया परमात्मा ने अवगुणों को इस्तेमाल करने से। जैसे मैंने बाबा याद किया, मुझे मेरे से अवगुण इस्तेमाल नहीं हुए, मैंने गुणों को स्मृति में लाया और मैंने गुणों के द्वारा मैं कौन सा गुण इस्तेमाल करूं इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, सोचा मैंने। तो उसमें धैर्यता हो सकती है, उसमें सहनशीलता हो सकती है। कि श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। अगर हम सजे सजाए रहेंगे इन गुणों से, शक्तियों से, तो लोग देखेंगे, अरे इसने तो चिल्लाया नहीं, इसने तो कुछ क्रोध नहीं किया, इसने कुछ अहंकार नहीं दिखाया, इसने एक सिचुएशन को बिल्कुल सॉल्व कर लिया आराम से, प्यार से, सबको साथ में चला करके।
वही तो विजडम है जो इंसान सारे परिवार को सारी संस्था को साथ में चला करके प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करके आगे बढ़े बिना क्रोध का इस्तेमाल करे बिना अहंकार का इस्तेमाल करे वो व्यक्ति सबसे वाइज व्यक्ति है इस दुनिया में परमात्मा की नजर में। और बाकी जो हैरान हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं और को भी परेशान कर देते हैं क्रोध अहंकार में आकर के वो इंसान को ब्रह्म कुमारी में आना जरूरी है और इस ज्ञान को सीरियस लेना जरूरी है और परमात्मा बाबा को याद करना जरूरी है। आप सब कुछ सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी में आकर के शांति के साथ।